महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, आज की अपडेट। महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जिन स्टूडेंटों को प्रमोट अभी तक नहीं किया है, अर्थात जो राजस्थानी पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर अर्थात एमए राजस्थानी का जो प्रोविजनल प्रवेश प्रदान करने की अवधि 25 जनवरी 20 तक अभ्यर्थी की जाती है। यदि कोई एमए राजस्थानी स्टूडेंट है तो उसे 25 जनवरी 2021 तक ही यानी क्या करना होगा, वंचित अभ्यर्थियों का उत्तराधिकार प्रयोजन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा कराकर विभाग में प्रस्तुत करना होगा। तभी क्या होगा, उनका प्रयोजनल प्रवेश अगली कक्षा में होगा और उन्हें प्रयोजनल प्रमोट सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि उन्हें प्रमोट सर्टिफिकेट चाहिए एमए राजस्थानी के लिए आया 25 जनवरी 2021 तक, वह अपने आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रमोट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। ये किसके लिए है, राजस्थानी पाठ्यक्रम के लिए आया है। अब मैं बताने जाता हूँ कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ष है उसमें एमजीएसटी ने किस प्रकार से प्रमोट किया है। तो ये क्या है कि दोनों के प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो प्रमोट रिमार्क शीट है उसका अभी तक नंबर डिसाइड नहीं हुआ है। उसका डिसाइड दो 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 साल की जो डिग्री होगी उसके जो प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उन मार्क्स का औसत करके, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में जितने जितने नंबर आए हैं अलग अलग विषय के, उन सभी विषयों के दोनों दोनों कक्षाओं के विषयों का औसत निकाल के और प्रमोटेड क्लास में दिया जाएगा। अर्थात इस प्रकार से मार्कशीट को तैयार किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एमजीएस से रिलेटेड मोर अपडेट आपको मिलते रहे।